हेलो फ्रेंड, सर्दी आते ही खाने का मजा डबल हो जाता है। यानी कि गाजर का हलवा सभी का फेवरेट होता है। आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा बिना मावे वाली और बिना चीनी की, तो इसे थोड़ा हेल्दी करते हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सलाद फूड। तो आज की रेसिपी है फ्रेंड गाजर का हलवा, वो भी गुड़ से बना हुआ। तो चले देखें गुड़ वाली गाजर की हलवा कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें गाजर को अच्छे तरह से साफ कर लेना है। देखिए इसकी रेसे वगैरह नहीं रहने चाहिए, इसे हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। हमने साफ कर लिए थे और इसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने छोटे टुकड़ों में ही काट के इसे हमें थोड़े से पानी में बॉईल कर लेना है। देखिए ये सारा कट चुका है। अब इसे मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लूंगी ताकि कोई गंदगी वगैरह ना रहे। सारे गाजर को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है। देखिए अब एक कुकर मैंने लिया है और कुकर में सारी गाजर को मैं डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, हाफ कप के बराबर, ताकि ये जले ना। आप चाहे तो पानी के बदले दूध भी डाल सकती हैं। ढक्कन को करेंगे बंद और इसे चढ़ाएंगे फ्लेम में। तो हमें एक सीटी ही मारना है। तो देखिए ये मैंने एक सीटी मार लिया और ठंडा भी हो चुका है। तो देखिए ये एकदम गल चुका है फ्रेंड। ये गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस एक सीटी में ही ये नरम पड़ जाता है। अब इसे कुकर में ही मैं इसे मैश कर लूँगी। तो इस तरह से पटैटो मैशर जो होता है ना, ये इसे मैश कर ले, या तो फिर आपके पास गिलास, स्टील का गिलास से आप इसे मैश कर सकती हैं। तो देखिए मैंने अच्छे तरह से इसे मैश कर लिया है। ये भुनने के लिए अब रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हमें एक पैन लेना है, मोटे तले वाली। अब इसमें मैं ट्रांसफर कर दूंगी ये गाजर को। आइए अब हम इसमें दूध डालते हैं। तो दूध मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर के करीब, और गाजर भी हमारा 1.5 किलो है। तो इसे थोड़ा पकने दे, और ये पकने में भी टाइम लगेगा और दूध भी सारा सूख जाएगा। देखिए दूध किस तरह से सूख चुका है, बिल्कुल गाजर दिख रहा है, दूध का नामो निशान नहीं है। अब चाहे तो फ्रेंड गुड़ के बदले अब चीनी भी डाल सकती हैं। तब साथ ही में डाल दें इसमें अब गुड़। तो गुड़ यहाँ पर मैंने 200-250 के ग्राम लिया है, और आप अपने मीठे के मुताबिक लीजिए फ्रेंड, जितना आपको मीठा खाना हो। कम मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं देसी घी। तो घी मैंने लिया है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच। तो फ्रेंड हमें घी ही डालना है, नो ऑयल नो डालडा, क्योंकि गाजर का हलवा घी में ही अच्छा लगता। तो घी भी मैंने डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। देखिए इसका पानी कितना सूख चुका है, दूध भी सूख चुका है, और घी भी कम दिख रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने कम ही घी डाला है। अब मैं इसमें डाल देंगे कुछ कतरे हुए काजू। आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकती हैं, और जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो भी डाल सकती हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया काजू और के साथ हलवे को। तो देखिए ये रेडी हो गया है बिल्कुल खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मावा का यूज़ नहीं किया है, तो मावा के बदले यहाँ पर मैंने दिया है दूध पाउडर। तो दूध पाउडर 1 बाउल ले लीजिए, और इसे इस तरह से हमें मिक्स कर देना है, और ये बिल्कुल खोए के जैसा ही लगेगा टेस्ट। और
बाकी का भी दूध पाउडर मैं डाल देती हूँ। मैंने एक साथ नहीं डाला है ताकि एक साथ डालने से ये एकदम मिक्स हो जाएगा। देखिए मैंने थोड़ा डाला फिर उसे चलाया है ताकि ये बिल्कुल खोए के जैसा दिखे। ये रेडी हो गया है फ्रेंड, देखिए अब सबसे आखिर में मैं इसमें डाल दे रही हूँ इलायची पाउडर। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, दिख रहा है ना खूबसूरत फ्रेंड। इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है, यही इसका टिप्स है। और गाजर और घी बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। तो ये रहा गाजर का हलवा। तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, बिना मावे कम घी और बिना चीनी की। तो फ्रेंड इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये आपको कैसी लगी। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।